नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। मुगलिया हुकूमत के जुल्म सितम के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण निछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों और दादी माता गुजर कौर की शहादत को सुल्तानपुर के सिख समाज के लोगों ने नमन किया। बता दें कि सुल्तानपुर गुरुद्वारा की ओर से शहीदी सप्ताह का आयोजन किया गया है और इस दौरान लोगों को सिख समाज के स्वर्णिम इतिहास से रूबरू कराया गया। 9 दिनों तक सिख समाज ने कोई खुशी नहीं मनाई। धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दिया। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए भारत की आन बान और शान के लिए चारों साहिबजादों बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह और उनकी दादी माता गुजर कौर ने अपना बलिदान दिया। शहीदी पर्व में आए अमृतसर से धर्म प्रचारक ज्ञानी सतवंत सिंह खालसा ने संगत को सिख इतिहास से रूबरू कराया। छोटे छोटे बच्चों ने सिक्की स्वरूप धारण भी किया, कीर्तन दीवान में हिस्सा भी लिया और कविता पाठ भी उनकी शहीदी को समर्पित वो किया, जिससे कि हम उन बच्चों में भी ये भावना प्रकट करना चाहते थे, उनका एहसास दिलाना चाहते थे कि जो छोटे छोटे बच्चों ने अपने देश के लिए अपनी शहीदी दी है, हम बच्चों को जोड़कर इसी शहीदी को समर्पित करके उनको भी अपनी देश और अपनी कौम की एकता के लिए भी समर्पित करने का यह हमारा प्रोग्राम रहा, जिसमें पूरे की एक घंटे तक कीर्तन दीवान सजा, उसके उपरांत गुरु के लंगर भी संगते सजी।